ना करो इधर कुआ उधर खाई। So good morning guys, welcome back to another vlog। और आज भैया नितिन भैया आप करो पब्लिक को गुड मॉर्निंग। कैसे हो पहले तो आप बताओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मौसम यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो, स्नोफॉल हुई थी थोड़ी सी, ऊपर ऊपर हुई थी तब हम यहाँ थे नहीं। और ये भाई साहब लेट तो कराते ही है। खैर हेलो मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड। तो सिर्फ और सिर्फ इसकी टाइमिंग की वजह से और हम मतलब उस टाइम तो नहीं पहुंच पाए। और अभी देखो स्नोफॉल कब होगी कब नहीं होगी, अभी तो जस्ट उठे हैं। विंडोज 7 की तरह मेरा प्रोसेसर है बॉडी का, जस्ट उठने के बाद अभी एक दो घंटे मुझे चाहिए होते हैं प्रोसेस करने के लिए। मैं कुछ ना खाता हूँ ना मैं कुछ पीता हूँ, सिर्फ चुपचाप बैठा रहता हूँ, थोड़ा बहुत फ़ोन चला लेता हूँ, ये सीन होता है। नीचे खड़ी एंडेवर जो इस भाई साहब ने अभी स्टार्ट करी थी, दो तीन सेकेंड का लैग हुआ था। हाँ मतलब बटन फिर से दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ठंडी होने में वो करती है। पर इस गाड़ी का मेरे को पूरा भरोसा है, ये मुझे कहीं धोखा नहीं देती। और इसके जो पीछे खड़ी है ना वो मेरे पास है, वो मेरे को ऊपर लद्दाख में धोखा देती है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। हाँ जिनकी है वो भैया भी हैं, उनने काफ़ी डिटेल दिया, अभी उनके साथ बैठ के बात हो रही थी, तो ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन एंड काफ़ी नॉलेज थी उन्हें इसके बारे में। खैर उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं दे रही, उनको स्टार्ट होने वाली सीन दे रही है और हमारे वाली गाड़ी कुछ अलग ही सीन है। बट ठीक है अपने पास तो ये है ट्रैवलिंग के लिए। एंड अभी एक बार नहा, सेम दे रही है हमारी इसलिए नहीं दे रही क्योंकि हमारी 2000 किलोमीटर चली थी, 20000 की सर्विस हो गया, ये 20000 किलोमीटर की। अच्छा हम बिल्कुल नहीं लेके आए थे कच्ची। हाँ जो प्रॉब्लम दे रही है ना वो हमारी भी दे रही थी, पर हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री भी दे रही थी। कॉम्प्लीमेंट्री है, सही है भाई। अभी ये देखो आलू, नितिन भैया आलू है ये, आलू के कट्टे सही है। फिर तो आप आलू के परांठे खिलाने में कमी नहीं छोड़ोगे, अभी पराठे बनेंगे आलू प्याज के। तो पहले नहाएंगे फिर पेट पूजा करेंगे और उसके बाद स्पीति वाला सीन ऐसा है यार, वो ना अभी उधर इतनी कुछ बर्फ तो पड़ नहीं रही है और ऐसे ऐसे पहाड़ दिखेंगे, मतलब इतने हरे भी नहीं दिखेंगे, सिर्फ वो ब्लैकिश पहाड़ और बस पत्थर पत्थर वाले। हाँ वो मजा नहीं आएगा अभी स्पीति का ना, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा ना चेंज कर दिया प्लान में। यहाँ से आज हम जाएंगे शिंकुला पास, शिंकुला पास छोटी दुबई, छोटी दुबई तो खैर छतरपुर को कहते हैं उधर अपने गुड़गांव में, ये शिंकुला पास जाएंगे। एंड वहाँ पे ना स्नोफॉल हुई है, कल ही हुई है, ये भैया वहीं से ऊपर से आए हैं तो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे स्नोफॉल हुई है। आपको रोड पे तो नहीं मिलेगी पर साइडों में पड़ी हुई है, तो मैं कहता हूँ सही है सफ़ेद बर्फ़ काली गाड़ी फोटो अच्छी आ जाएगी, और क्या चाहिए हमें। बाकी तो हम वहाँ जाके कुकिंग करेंगे, वहाँ जाके हम जाकर ढाबा खोलेंगे और सिर्फ मैगी देंगे, किसी को नहीं देंगे, सिर्फ हम, मैं खाएगा अंकुर खाएगा और जो आदमी हमें क्या आके भाई बोलेगा ना उसके लिए दे देंगे। चल अब मैं एक बार नहा लेता हूँ एंड देन आलू प्याज के पराठे है ना, ज्यादा मत खाइए भाई, पहले बता रहा हूँ। नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाएगा पर पता है धोने के लिए जो ठंडा पानी आया ना वो हैंग कर देगा, वो आपके सॉफ्टवेयर को लैग मार देगा पूरा। मेरे साथ अभी हुआ जस्ट ये, फ्रीज हो जाएगा। मैं जस्ट अभी सुबह सुबह उठ के मैं कहा चलो फ्रेश होने चलते हैं, और भाई जब कार्यक्रम कर लिया पूरा तो उसके बाद आ गया समय धोने का। अब वो धोने का समय ऐसा आया, मैंने पानी मारा ठंडा तो चिल्ड बर्फ वाला, लैग हो गया, 12 फुट का जंप लगा, 12 फुट का जंप लगा पहली बारी में। तो फिर दूसरी बारी में कहा यार अब ये काम करना तो पड़ेगा, ना करो इधर कुआ उधर खाई, ये सीन हो रहा है। फिर धो लिया और फिर आके यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ देखते हैं थोड़ी देर में नहाते, थोड़ी देर और बैठ लिया, गर्म हुआ है प्रोग्राम। हाँ मैं कुर्सी पे, हाँ जब तो धूप में बैठा, मैं प्रोग्राम गर्म करते हैं थोड़ा यार। ये देखो एक्सटेंशन बोर्ड किसका, हमारा सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज हो गए हैं। अरे आप कुछ कह रहे थे कि आगे भी बर्फ जमी पड़ी है और क्या कैसे, क्या कह रहा था? सुबह सुबह उठ के फ्रेश अप हुए ना ऐसे लोग गाइस, ये देखो बहुत सारे पीछे भी बर्फ जमी है। भाई अब किसका कोई इलाज है, वो दिया जला के ऊपर बैठ गया। ये नीचे भाई, नीचे कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं, अभी ये लोग फोटो खिंचा रहे हैं एंड गाड़ियां वहां खड़ी। अब मैं नहाऊंगा, मौसम अच्छा हो रहा है, मतलब ठीक है, बर्फबारी नहीं पड़ रही पर ऐसा भी नहीं हो रहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि यार गलत जगह आ गए।
काफी रिलैक्स्ड माइंड से ना काफी एंजॉय कर रहे हैं। अब हम जरा नहा लेते हैं। अंजुम जी, हम तो नहा लेते हैं। ओके ठीक है, आप कपड़े निकाल लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। ये तो पहनने की जरूरत नहीं सर। भाई नहा के आ चुका हूँ, ड्रायर गाड़ी में रखा है। ड्रायर तेरे को लेके आना पड़ेगा क्योंकि बाल सुखाने ना हमें, किंतु ये बाल बेकार लगेंगे, फोटो अच्छी नहीं आएंगी। भैया ने सुबह से खाना बनवा के रखा हुआ है, हमारी वेट में रुके हुए हैं और अब तू ये मस्ती कर रहा है कि एक बार ड्रायर लिया, एक बार कोल्ड ड्रिंक लिया, एक बार ये लिया। भाई अब खाना खाया जाएगा, पराठे मिलेंगे बहुत बढ़िया वाले, पराठे खाए जाएंगे, फिर निकला जाएगा श्रृंखला पास। वैसे कुछ एंट्री एग्जिट का तो कोई रूल नहीं है ना, कभी भी जाओ। हाँ तो अभी तो साफ है मौसम, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए भाई साहब, नहा धो के मेरी टी शर्ट पहन रखी है, मांग के पहनता है कपड़े, हट डैटी बॉय। और यहाँ से श्रृंखला पास कुछ पड़ेगा 2.5-3 घंटे का रास्ता, एंड वहाँ पे जाके मैं तो पहले गया नहीं हूँ, सरचू पास से इसी तरफ पड़ता है। और कैसे ढूंढेंगे भाई से, जगह तो कम है। बैग लेके आता हूँ, बैग लेके जानी पड़ेगी गाड़ी है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने इस घड़ी से इसे कनेक्ट तो कर लिया है, पर ना ये 0.5 में कैसे होता है जूम आउट वो समझ में नहीं आ रहा, ये सीधा 1 में स्टॉक होता है। तो अब 0.5 में ना अभी अंकुर बैठा नहीं दिखेगा तुम्हें, 0.5 में तुम्हें दिख जाएगा। इसीलिए मैं नेट पे मैंने काफी सर्च कर लिया, ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, अभी मैं थका हुआ हूँ। और इसने करा कुछ भी नहीं है, बातें तो ऐसी हैं जैसे लामड़ी करके आया हो। वो ये पीछे सरिया उठा हुआ है क्या, नीचे पड़ा हुआ है। यार अभी हम आगे निकल रहे थे पर ये भाई साहब ने ट्रक तो सामने ले आया, पीछे रोड भी ब्लॉक कर दिया। अब कहाँ जाएंगे हम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ ये लेके जाएगा, क्या ये करके मानेगा ट्रक वाला, ना दिमाग की दही करना चाह रहा है। ना ना सीधा ले जाएगा हमारे से, पकड़िए चलने दे चलने दे चलने दे चलने दे ना, वो आगे दबा लीजिए। लो भाई रास्ता, बात तो यही है ना कि रास्ता ब्लॉक हो गया, अब ट्रक ने ये सारी रोड़ी उतार दी, अब हम जाएंगे कैसे बता, अब कहाँ से निकालें गाड़ी। अब ये कम से कम भी नहीं तो यहाँ आधा घंटा वेस्ट, थोड़ी आगे कर ले, छाया में तो जाएगी। हम जा रहे हैं यहाँ से श्रृंखला टॉप, जो कि 87 किलोमीटर, 2 hours 33 minutes का रास्ता है। एंड एज यूजुअल ये भाई तो अब हैंग होके पड़ा रहेगा, क्योंकि ये क्या होता है ना, फर्स्ट डे ट्रिप के जब भी होता है फुल एनर्जी में रहता है, सेकंड डे इसे क्या होता है कि क्योंकि ये पहाड़ों से इसे प्यार नहीं है, इस आदमी को नहीं है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है कि बस अब भाई वापस चलते हैं ये वाला सीन। तब थोड़ी देर हैंग रहेगा, फिर मस्ती के मूड में आएगा, फिर मस्ती कर लेगा, जैसी मस्ती से सीख जाएगा फिर मेरे को पता लगेगा चल यार मन नहीं लग रहा ये वो, मतलब ये पहले लद्दाख लद्दाख में सही था, अब दूसरी ट्रिप पे ना ये छिक चुका है पहाड़ों से, इसे चाहिए जैसलमेर, मतलब गर्मी पसीना धूल मिट्टी हसीना वो सारा सीन चाहिए इसे। अभी आपने डैश कैम फुटेज देखी होगी, हमें पुलिस वालों ने रोक लिया। अब वो स्पीड वाले थे, अभी यूं मेरी किस्मत लगा लो या क्या लगा लो, मेरे आज चालान कटना ही नहीं था। यूजुअली क्या होता है ना, देखो 50 की लिमिट है तो 65-60 के आसपास तो गाड़ी चली पड़ती है, ढलान के नीचे खड़े थे ठीक है। अब फोन आ गया मेरे को, अपने एक भाई है उन्हें काफी अच्छे से मैं जानता हूँ, और उनका फोन आ गया, वो अपनी गाड़ी टो करके ले जा रहे थे, उन्होंने मेरी गाड़ी पहचान ली, तो उनका मेरे पास फोन आया, तो ऐसी बातचीत हुई, और फिर लास्ट में बोले कि भाई आगे नीचे उतरते के साथ स्पीड वाले हैं, 50 की लिमिट है, 50 से नीचे चलिए, ध्यान रखिए तो लिमिट क्रॉस ना करें। मैं कहा चलो यार आपने ये बहुत बढ़िया कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर स्पीड का चालान कटेगा ना तो ये लोग क्या करते हैं, देखो फाइन तो कम है 1500 रुपए का है, लेकिन 3 महीने के लिए जो लाइसेंस है ना वो हिमाचल पुलिस के पास रहेगा आपका लाइसेंस, 3 महीने बाद लाइसेंस लेना आपको यहाँ आना पड़ेगा।
अभी ये सारे काफी जो रोक रखे थे स्पीड के लिए इस वजह से है। अच्छा दूसरी बात क्या है, मैं स्पीड से लिमिट से कम चल रहा था, मुझे पता था, पर क्या होता ना बाहर की गाड़ी है, क्योंकि मैं जैसे ही खड़ा था ना, मैं देखूं ये लोग गाड़ियां रोक रहे हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि एचआर गाड़ी है देख, एचआर गाड़ी है, रोक उसको। मतलब हम हरियाणा वालों की इमेज ऐसी बनी हुई है, आगे ये तो डिफॉल्टर पाएंगे ही पाएंगे, ठीक है। तो उनने रोक लिया, अच्छा ठीक है भाई रोक लिया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी रोक लिया, मुझे समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा गाड़ी आगे लगाओ, मैं कहा ठीक है भाई मेरे पास तो सब कुछ है, स्पीड में लिमिट में था, मैंने रोक ली। अब रुक के वो बोले कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, मैं कहा ऐसे ऐसे आए हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो कहते कि गाड़ी चेक कराओ, गाड़ी में कुछ है तो नहीं, मैं कहा सर पूरी गाड़ी ए टू जेड खोल के देख लो, अगर फॉल्ट मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी पूरी गाड़ी चेक कर सकते हो, आपको दो घंटे चाहिए, तीन घंटे चाहिए। सुन तो पीछे गया वो भाई नहीं था जिसने कैप पहनी हुई थी, वो आया यहाँ बटन दबा के देख रहा, अच्छा ये गाड़ी कितने की है, कौन सी गाड़ी है, अच्छा ये अलॉय व्हील कितने के हैं, ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं। फिर बोले अच्छा 45 लाख की है, मैं कहा फिर पीछे डिग्गी खोली, वो डिग्गी ऐसे पुश कर रहे ऊपर, ऐसे यूं नीचे लगा के, मैं कहा ये ऐसे नहीं खुलेगी, एक मिनट रुक जाओ आप, तोड़ दोगे बटन दबा दो, बटन दबाया फिर की उसको ऊपर खींच रहे, मैं ये अपने आप खुल जाएगी, फिर उसको नीचे खींच रहे, मैं ये अपने आप बंद हो जाएगी, बोले अरे कुछ करने देगा या नहीं मुझे, मैं कहा आप खराब करोगे इसको, हमें जाना भी आगे वापसी भी आना है, मैं कहा सर्विस कैसे कराएंगे फिर, बोले ठीक है। फिर वहां ले गए मेरे को, क्या नाम है आप कागज दिखाओ, मैंने दिखा दिए, अच्छा वो बोले चलो साहब से बात करना, मैं कहा सर रोक क्यों रखा है, फॉल्ट तो बता दो, कहते साहब से बात करना, मैं कहा चलो ठीक है, क्योंकि मेरा क्या है ना देखो मुझे ना हिमाचल पुलिस से बड़ा लगाव है, क्योंकि ये लोग बहुत रिस्पेक्टफुली रहते हैं, और मतलब कोई किसी भी टाइप की बदतमीजी और कुछ भी नहीं, और मतलब पुलिस लगा लो सारे ही बढ़िया है, कुछ कुछ जगह पे वो तो किस्मत की बात होती है, कोई चिड़चिड़ा मिल जाता है, और मेरा क्या है ना हमेशा से मेरा क्या है हमेशा से आदत है, मैं प्यार से बात करता हूँ उनसे बिल्कुल रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये लोग सारे दिन भाई धूप में खड़े रहते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने कि मैं कहा सर चलो ठीक है, मैं नहीं बोला, मैं कहा चल कोई बात नहीं, सर ही बता देगा क्या फॉल्ट है, वैसे तो कुछ है नहीं, बता देंगे। तो ये जिनने रोका था ना वो आए, इधर आओ एचआर वाले, मैं कहा हाँ आ रहा हूँ जी। तो वो बोले ये ग्रिल पे लाइट है, मैं कहा जी ये तो कंपनी फिटेड लोगो लगा रखा है, सेम ग्रिल आती है कंपनी से, देख लो ये लाइट है, मैं कहा ये वो हाई वो तो नहीं, ये हाई पावर लाइट। तो कहता चल ठीक है जाओ आराम से जाना, सीट बेल्ट लगा लो और 55 से नीचे जाना स्पीड पे जी, हम तो आपने देखा ही है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जिसपा एंड आई डोंट थिंक अब हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, वैसे तो जो कैलकुलेशन निकाल के हम निकले थे ना उस हिसाब से तो पहुंच ही जाते हैं, पर वो बीच में पुलिस वालों के साथ थोड़ा टाइम खराब हो गया, एंड अब देखो 2:45 हो रहे हैं, वो वही कह रहे थे पुलिस वाले कि 3 बजे के बाद आपको दारचा से जाने नहीं देंगे, शिंकुला टॉप आप सोने नहीं देते भाई साहब, क्या कर रहे हैं हम, हैं किंग। हाँ किंग, आज तो एक काम कर नीचे गद्दे पे सो जाओ, मैं पूरे बेड में सो जाऊंगा। ओके तेरे को गद्दे पे हम सोने की ताल करते हैं। तो हम सरजू पास क्रॉस कर चुके हैं जो कि दारचा में है, मतलब ऐसा ही है ना शायद, सरजू पास कहते हैं ना दारचा में, मतलब है तो दारचा में, अभी सरजू पास ही है क्योंकि पिछली बार में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, फिलहाल ना माइंड थोड़ा अजीब सा हो रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंटरफेरेंस, यू नो कई बार ना हो जाता है, पर अभी देखो 38-37 किलोमीटर बचा है, अब तो शायद रोकते हैं तो यहीं रोकते हैं 3 बजे के बाद अगर मौसम खराब होता है, तो मौसम तो क्लियर है, थोड़े बहुत एक आध काले बादल हैं, पर अच्छा है अगर हैं तो फिर स्नोफॉल मिल जाएगी अपने को। अब यहाँ से कितनी देर में पहुँचेंगे, 1 घंटा 16 मिनट, इतने ये भाई मंच खाएंगे, ये हैंग हो गया था, ये हैंग हो गया थोड़ा सा इसको ना, वो हो रहा है कह रहा कमर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, आँख दर्द हो रहा है, मैं पता ना क्या क्या दर्द हो रहा है तेरा, इसको दवाई दी है अभी, और ये दवाई लेके अब मेरे ख्याल तो तुझसे हैंग रहेगा थोड़ी देर दवाई लेने के बाद, तो एक मंच इंजॉय करेगा, मंच इंजॉय करेगा मेरा मंच। अच्छा जी चलो भाई ये कट है, अब सामने देख रहे हो ना आप, सीधा जाएंगे वहाँ पे, हमें जाना है सीधा, और अगर ले के लिए जाना होता है जैसे बारालाचौर, तो वहाँ ये ऐसे यहाँ से हम यूटर्न ले लेते हैं, मतलब राइट को ले लेते हैं ऊपर चढ़ के ऊपर की तरफ, एंड पिछली बार जब हम लद्दाख जा रहे थे, हम देख रहे थे ना कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, तब हमें पता नहीं था कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। तो अभी हम लोग इस लोकेशन पे रुके थे, यहाँ पे ड्रोन शॉट लिया है, फोटोज खींची है, रील्स बनाई है, तो अपने को यहाँ पे मिले सागर पटेल भाई, देखो साइकिल पे जा रहे हैं, मैं इनसे कह रहा था गुरुजी एक बार सीट बेल्ट लगा लो, अच्छा।
तो सागर भाई मिले अपने को, मैं इनसे काफी देर अभी हमने बात करी है एंड ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। ये साइकिल पे आए भाई, आप मानोगे, सिसु से ही इज ऑन साइकिल एंड अभी आगे जा रहे हैं यहाँ कहीं नियरेस्ट पॉइंट पे जहाँ इन्हें टेंट वगैरह मिलेंगे यहाँ पे ये रुकेंगे। एंड सही में यार मनाली से आए एंड देन सिसु एंड देन यहाँ साइकिल, मतलब टोटल अभी आज इनका तीसरा दिन है, मतलब एक दिन में बंदा मनाली से सिसु आ गया एंड सिसु से अब आगे यहाँ जा रहे हैं। आई गेस जहाँ जो नियरेस्ट गांव मिलेगा ना भाई वहीं रुकेंगे अब एंड काफी टोल कटवाना है, एंट्री करवानी है, हाँ, करवाना है। भाई मैं भाई से वही डिस्कस करा, मैं भाई आपका सही है बस ठीक है, लेकिन हिम्मत और जान बहुत चाहिए इस काम के लिए, लेकिन वैसे आपको और कोई दिक्कत नहीं होती होगी अभी। पर हाँ ये है कि मान लो कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है ना, तो नेटवर्क नहीं है कुछ नहीं है, गाड़ी से आदमी फिर भी जल्दी पहुंच सकता है एंड साइकिल से तो भाई आदमी होपलेस हो गया। हाँ नहीं आदमी सही में होपलेस हो गया, पंचर किट तो भाई खैर ले रहा होगा, इतना तो आदमी जब इतना बड़ा प्रो साइकिलिस्ट हो जाता है तो लेता ही है। बाकी फिलहाल ऊपर मौसम खराब हो रहा है, काले बादल आ रहे हैं एंड मैं होप कर रहा हूँ कि वहाँ जाने के आसपास तक हमें स्नो मिल जाए और फॉल मिल जाए। अभी क्या होता है ना ऊपर AMS की वजह से ना पेट में खाली पेट में हवा भर जाती है, फिर सूख की अटकार आती है। तेरे को तो पता नहीं कुछ भी नहीं आता, तू तो फिट आदमी है, ले रहा इतना बड़ा पतीला सा आदमी को, मेरे को तो कुछ नहीं होता कितनी होता। हाँ और ऊपर से सबसे बड़ी बात, इसके अगर कुछ हो जाए तो पता क्या कहेगा, फिजिकली और मेरे को कोई बीमारी नहीं हो सकती, मेरे को नजर लगी है, मतलब मैं इतना मलूक हूँ कि मतलब धरती पे जो वो है ना मेन्स अवार्ड, मतलब हॉटेस्ट मैन ऑफ द ईयर वो हूँ मैं, और मेरे को इतना लोगों ने देख देख के नजर लगा दी। गाड़ी अपनी लेन में चल रही, गाड़ी ने राइट में लेन दे, आप ही तरह अपनी लाइन में। सॉरी फॉर दैट, आई विल ट्राई टू स्पीक हिंदी ओनली, बिकॉज क्या होता है ना फिर लोगों को सिर्फ हरियाणा वाले समझ सकते हैं ये भाषा, कभी कभार मैं टच डाल देता हूँ मसाले वाले। अंग्रेजी वाली मैडम को समझ नहीं आएगी। अंग्रेजी वाली मैडम कौन सी देखती है? मेरे हिसाब में कोई अंग्रेजी मैडम हमारी ब्लॉग को नहीं देखती होगी, क्या पता समझ में ही नहीं आती होगी। हाँ भाई तू हॉटेस्ट मैन ऑफ द ईयर है, ठीक है मान ली तेरी बात। कहाँ आ गए हम, कितना किलोमीटर है? 29 किलोमीटर और है क्या? हाँ अब तो पहुंच ही जाएंगे, स्पीड वाले ना मिले बस इनके चक्कर में, अब थोड़ा और बिल्कुल ही ना, मैं तो 30-35 पे चला रहा हूँ, मैं कभी मतलब मैं रोक देंगे, ये देखो 50 चल रही है, लिमिट 50 की होती है। रास्ते में यार ये काफी टूटा फूटा रोड मिल रहा है बीच बीच में, और ऊपर बादलों को देख के ना मेरे को पता नहीं क्यों 99% ऐसा लग रहा है स्नोफॉल होगी। आ जाओ भाई ट्रक वाले भैया साइड में से निकल जाओ, ताकि हम फिर निकल जाए पुल के ऊपर से, कुछ आ तो नहीं रहा, सब सही है, सब सेट है, सब बढ़िया है। यार लो बर्फ आ चुकी है अब हमारे पास ना, अब यहाँ से श्रृंखला टॉप है टोटल 3 किलोमीटर के आसपास एंड पर मेरे को यार दिखते ही साथ बर्फ ना, मैं कहा एक बार तो मेन की निकलना है, और ताज़ा बर्फ है गंदी भी नहीं हो रखी। अब इसको उठा के देखते हैं और अंकुर के ऊपर मार के देखते हैं, गहरी बहुत है। ओए हाँ आजा बर्फ तो खिलाऊं बात छोड़ भाई, ठंडा हो गया, ताजा बर्फ है, देख फ्रेश सर, गंदी भी नहीं हो रही, अच्छा गंदी भी नहीं हो रही, देख ताजा बर्फ है, बढ़िया उठा के देख ले। अंजुम जी ये तो ठंडी है हाँ उठा उठा उठा, हाथ में नहीं आएगी, अच्छा फेंकने का ही सोच रहे हो, अच्छा अच्छा हाथ में लगी, कड़क लग रही है रे, कड़क लग रही है, चल ऊपर चल के अब मैगी बनाते हैं, भूख लग रही है, पहुंच ही गए अब तो, बस 3 किलोमीटर रह गया, इस एरिया से स्टार्ट होगी थी। हाँ अच्छा डांस करना, बर्फ मिल गई, बर्फ फॉल तो नहीं मिली पर चलो पड़ी हुई तो दिखी गई। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर, ये भी मैंने 1 मिनट के लिए रुका था, देखी सांस चढ़ रही है, गाड़ी को नहीं चढ़ रही, हमारे को तो चढ़ रहे हैं, हमारी बात कर रही है, जैसे चढ़ रहे थे ऐसे इसको कुछ नहीं हो रहा, तनातन चल रही है ये हमारे को, चढ़ रहे चढ़ गए, ये देखो गाड़ी में रेस दे रहा बार बार, और ये अभी हमने रुको हमने बर्फ में चढ़ा दी गाड़ी, मैं चल बर्फ में चढ़ा दे, ये गई भाई बर्फ में, इधर काट दे, इधर पत्थरे मैं कह रहा हूँ इधर काट दे पूरी, हाँ अब चलन दे गाड़ी को।
ये देखो गाइस, अभी हम प्लान कर रहे हैं गाड़ी को यहाँ पे आगे लेके आने की, इसमें दोनों टायर बर्फ में ही जाएंगे। काट तो ले इसने पूरी। बस बस टच होगी, पूरी पावर देगा फिर छोड़ दियो एकदम रेस। एक मिनट रुके, बर्फ ठाके रुस का कसू तीस किट मारेगी।